and learn how to dress small d in our textbook, page number 15. So let's start. तो बच्चों मुझे बताओ, capital D हमने nursery में सीखा है ना? तो first हम क्या करेंगे? उसकी revision करेंगे. उसके बाद हम small d dress कैसे करना है वो सीखेंगे, okay? तो first हम finger से dress करेंगे. ये देखो, first standing line and उसे जोड़कर left curve. First standing line and उसे जोड़कर left curve. ये क्या बन गया? Capital D. ये क्या बन गया? Capital D. D for deer. D for dolphin. D for dice. D for doctor. उसके बाद हम क्या करेंगे? नीचे जो हमें ये ट्रेसिंग के लिए दिया है वो ट्रेस करेंगे. ये देखो, ऐसे प्रॉपरली हमें ट्रेस करना है. कैपिटल डी, कैपिटल डी, ऐसे बोलना है आपको भी. फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन एंड उसे जोड़कर लेफ्ट कर्व. ये क्या बन गया? कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी. उसके बाद आज हम क्या सीखने वाले हैं? स्मॉल डी. वेरी गुड. फर्स्ट वन स्टैंडिंग लाइन और उस स्टैंडिंग लाइन के बीच में से उसे जोड़कर एक राइट कर्व. ये क्या बन गया? स्मॉल डी. वन स्टैंडिंग लाइन एंड उसके बीच में से जोड़कर ऐसे एक राइट कर्व. ये क्या बन गया? स्मॉल डी. वैसे हमें क्या करना है? पेंसिल से ट्रेस करना है. ये देखो, नीचे स्टैंडिंग लाइन एंड उस स्टैंडिंग लाइन के बीच में से इसे जोड़कर राइट कर्व. ये क्या बन गया? स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी. ऐसे आपको ये पूरा पेज ट्रेस करना है. ओके, डू प्रैक्टिस एट योर होम. बाय बाय, टेक केयर.